मैक्सिमम बैडमिंटन प्लेयर्स का जंप स्मैश सबसे फेवरेट शॉट होता है। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू जंप स्मैश। जंप स्मैश कैसे मारना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ड्रिल्स बताऊंगा कौन कौन सी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने जंप स्मैश को इम्प्रूव करने के लिए। गाइस, आप में से ही किसी ने कॉमेंट किया था एक वीडियो में 7 days रूटीन वीडियो बनाने के लिए, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा डाइट के बारे में, प्री वर्कआउट मील क्या होती है, पोस्ट वर्कआउट मील क्या होती है, आपको क्या लेना चाहिए, सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा, गेम से रिलेटेड ड्रिल्स के बारे में बताऊंगा, फिजिकल ट्रेनिंग क्या करनी चाहिए। 7 days की वीडियो में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, बहुत जल्द वो वीडियो आएगी। तब तक के लिए हम लोग जंप स्मैश के बारे में बात करते हैं, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules? Step 1 में हम लोग रीच के बारे में बात करेंगे। सपोज आपने यहाँ पे ड्रिबल किया है या फिर आपने पुश किया और आपके अपोनेंट ने आपको शटल को क्लियर करके दिया है, शटल बिल्कुल हाई है। सबसे पहले आपको ये समझना है, अगर आपको जंप स्मैश मारना है तो आपको शटल को अपने आगे बनाना पड़ेगा। आइए वीडियो में दिखाता हूँ। सपोज आपने यहाँ पे ड्रिबल किया है और आपके अपोनेंट ने शटल को क्लियर किया है, यहाँ से पीछे कैसे जाना है उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ आपको शटल को अपने आगे बनाना है ताकि आप प्रॉपर जंप लेके उसे स्मैश कर सकें। पीछे आने के लिए आप लोग या तो बैक रनिंग का यूज कर सकते हैं, वरना सिचुएशन वाइज प्लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेपिंग का यूज करते हैं। ये 3 steppings होती हैं जिसका प्लेयर यूज करते हैं मोस्टली। चलिए सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, कैसे आपको जंप लेना है उसके बारे में बताऊंगा, पोजीशन के बारे में बताऊंगा। गाइस, आपके अपोनेंट ने आपको क्लियर करके दिए शटल, आपके पास इतना इनफ टाइम है कि आप उसे जंप लेके हाईएस्ट पॉइंट पे हिट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे पोजीशन क्या होनी चाहिए आपकी, यहाँ से आप आए, ये पोजीशन रहेगी आपकी स्पोर्ट्स वाली और आपको इसे स्प्रिंग की तरह यूज़ करना है जंप लेने। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप आए, जंप और स्मैश। अपनी जंप को आप कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, कुछ एक्सरसाइज बताई हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, आई बटन में मैं डाल दूंगा। चलिए 3rd step की बात करते हैं कि आपको हिट कैसे करना है शटल को। गाइस, जब आपने यहाँ पे जंप ले लिया है, जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, उस टाइम पे आपको पॉज लेना है मारने से पहले, और जैसी शटल आपके क्लोज आ रही है आपके हाईएस्ट पॉइंट पे, तब आपको शटल को हिट करना है जैसे आप स्मैश करते हैं। एक पॉइंट के बारे में और बात करेंगे, जैसे ही आप स्मैश करेंगे आपकी लैंडिंग जो होगी, आपका बॉडी वेट आगे को होगा। अगर आपका अपोनेंट उसे डिफेंस करके नेट पे रखता है, आप उसे जाके कीप कर सकें, उस पर टैप कर सकें, उसे पुश कर सकें। चलिए अब मैं शटल का यूज करके दिखाऊंगा आपको कैसे जंप स्मैश करना है। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आपको जंप स्मैश करके दिखाऊंगा, जो स्टेपिंग्स बताई तीनों यूज करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए 2 drill के बारे में बात करते हैं जो आपके जंप स्मैश को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। एक ड्रिल आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अच्छा करने में हेल्प करेगी और दूसरी ड्रिल से हमारी स्टेपिंग क्लियर होगी। फॉर्मल्टी आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और आपके पावर को बढ़ाएगी। चलिए नेक्स्ट ड्रिल की बात करते हैं। नेक्स्ट ड्रिल में आपको बोथ साइड से स्मैश करना है। गुड गुड, और उसी जंप जंप ले वहां पे।
वो साइड स्मैश जिसमें आपको दोनों बैक कॉर्नर से स्मैश करना था, ये आपके स्टेपिंग को क्लियर करने में हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो आपके जंप स्मैश को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अब शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अपने जंप स्मैश को इम्प्रूव कर सकें। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे फिट। प्रशांत मेहता साइनिंग ऑफ। What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the